चुके हैं आसारोड में और यहाँ पर सभी लोग आए हैं और फाइनली मीटिंग खत्म हो गई है अभी, तो आपको पूरी पूरी डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं हमारे अजीत सर से, जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में चलता है वो है टक्कर की बात, तो आप क्या बोलना चाहते हैं हमारे सभी दर्शकों को? दिलीप भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा पॉइंट और सवाल किया है, उसको हम जवाब देते हैं। पहले पहले हम मीटिंग का स्टार्टिंग में ही हमने टक्कर वाली बात से हमने बात किया सतीश भाई मेरे, और दूसरे ऑनर है हमारे, बहुत सारे 35-40 बैंड के ऑनर आए हैं जी, उनके साथ में टक्कर की बात किया है और वो वीडियो में भी है, आप जब शेयर करेंगे तो पता चल ही जाएगा, लेकिन टक्कर की बात तो हमने पहले कर दी है, अभी उसके ऊपर ही दोबारा बात करना ठीक मुनासिब नहीं लग रहा है। तो और मेरे जो फैंस हैं उनको बताना चाहता हूँ, हम रोज़ उन लोगों के साथ में हम हर रोज सुबह उठ के गुड मॉर्निंग के साथ गुड मॉर्निंग और थोड़ी बातचीत होती है। मैं बहुत दिन मतलब पुराना तो नहीं ये बैंड में है, लेकिन मैं बात करता रहता हूँ साथ में, हमारा अच्छा सा रिश्ता है उन लोगों के साथ में, सभी बैंड वाले के साथ, हम सभी ओनर साथ साथ में हैं, कोई हम तो टक्कर वगैरह लेने के लिए तैयार नहीं रहते। वो टक्कर की बात जो है वो एंजॉयमेंट की है, 5-10 मिनट की बस, और उसके लिए है ना, आप मेरे जो जाने वाले बैंड को चलने वाले लोग हैं वो ज्यादा मन में नहीं ले प्लीज, ज्यादा मन में लेके, और ये उन्होंने ये कर दिया, ये साला वो मानदर कर, ऐसी मत बात बोलो, लैंग्वेज सही बात है, सही बोलो, लैंग्वेज का सही उपयोग करो। और मेरे थोड़े संक्षिप्त में मेरे यूट्यूबर भाइयों से बोलता हूँ, जो ग्राउंड लेवल पे दिखता है वो बताओ, कोई भी है ना फोटो डाल दे और उसके बारे में आप ऐसा वैसा कुछ भी कमेंट ज्यादा खराब खराब वर्ड्स का या शब्दों का यूज मत करो, ये पूरा दुनिया दिखता है यूट्यूब पर, मतलब अपना जितना हाँ पूरा अपना इंडिया में पूरा जो भी सब्सक्राइब करता है उसके दिखता है, अच्छा नहीं अपने समाज के लिए या बैंक इंडस्ट्रीज के लिए खराब संदेश जाएगा, तो प्लीज करके समझ के ही कुछ भी कुछ भी बात करो, जब अगर यूट्यूब पे आता है या कोई एक ही बैंड पार्टी को मत दिखाते रहो, सभी बैंड को सपोर्ट करो, एक ही बैंड का रॉकी सुपर जानकार मत करो, सभी बैंड को सपोर्ट करो और सभी बैंड को यानी उसको अच्छा लगे, सभी ऑनर को सभी बैंड को अच्छा लगे ऐसा। तो सर एक बात पूछना चाहूँगा कि आज का फाइनल डिसीजन क्या है आपका, यूनियन जो बनाई इसमें? अभी हमने महाराष्ट्र में हमारे तरफ से हम यूनियन बनाएंगे, गुजरात में सतीश भाई और पिंटू भाई यूनियन का देखेंगे, फिर बाद में हम 6 महीने के बाद में अगर उन लोगों ने कोऑपरेट किया महाराष्ट्र में तो हमारे हाथ में है, हमारे बंदे कहीं नहीं जाते, हम बोलते हैं वही करेंगे, लेकिन ये लोग अगर ये लोग उन लोगों का भी अगर गुजरात का भी ये हो जाता है यूनियन बन जाता है तो हम सेंट्रल से 3 राज्यों का प्रेजेंटेशन करके लाएंगे और एक ही यूनियन बना लेंगे। और एक लास्ट बात मैं पूछना चाहूँगा, कारीगर के बारे में आपका क्या बोलना है, हमारे गोल्डन स्टार बैंड के जो ओनर है वो बताएंगे आपको कारीगर का मतलब कि जो कारीगरी के बारे में कुछ बात पैसा ज़्यादा लेते हैं वो हाँ वो कुछ क्योंकि वो लोगों को पता चलना चाहिए, जैसे हमारे सर ने बात किया था गणेश भाई ने, तो कुछ आप दो शब्द बोल दो। हाँ कारीगर के बारे में तो अभी कैसा है, हमारा गणेश भाई ने बताया कि शायद वो कोई अभी तक फॉलो नहीं करता था कि भाई वो दूसरी बैंड वाले हैं तो उनको वहाँ से कारीगर आ रहा है तो उनको एक बार पूछ सकते हैं, भाई गणेश भाई के यहाँ से आए थे गणेश भाई पूछ सकते हैं भाई एक कारीगर आए क्या प्रॉब्लम है क्या है, राकेश भाई आ रहा है तो राकेश भाई क्यों आ रहा है, आपको उनसे कुछ दिक्कत है या उनसे आपको कुछ दिक्कत है, अगर वो बताएंगे कि भाई ऐसी ऐसी दिक्कत है अगर ले सकते हैं कि नहीं ले सकते वो बाद में पता चल जाएगा ऐसा, तो वो बात भी अच्छी रखी थी उन्होंने और अभी तक तो उसमें किसी ने फॉलो नहीं किया, पर अगर इस तरह से फॉलो करेंगे तो आगे जाके कारीगर का रेट भी नॉर्मल ही रहेगा और रेट नॉर्मल रहेगा तो मार्केट में बैंड का भी रेट नॉर्मल ही रहेगा। हमारा प्राथमिकता ये है भाई पहले हम कारीगर को मेंटेन करें, कम पैसे में एडजस्ट करें, उसके बारे में आगे हम सोचेंगे, क्योंकि अभी बोलेंगे कि 50,000 में बैंड आएगा तो मेरा 55,000 तो मैं कारीगर का दे रहा हूँ, 50,000 में बैंड में कैसे क्या बेच सकता हूँ, मैंने मेरे पहले वीडियो 1 नंबर वीडियो में मैं 1,00,000 के नीचे लेके आऊँगा, इसका मतलब 1,00,000 के ऊपर में समझ लेना सब लोग, मेरे जाने वाले सुखराज को जाने वाले मेरे सुपर जंकर या अदर बैंड को जाने वाले जो लोग हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ
कि हम लाख के अंदर में बैंड लाएंगे, ऐसा बोला है लाख के ऊपर में लेकिन के पास है ना, सामने से पैसा दे रहा है वो 1,40,000 रुपये सुपर जंकर ही मंगाना है या रोकी ही मंगाना है, तो उन लोगों को जाने में क्या दिक्कत है? अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बैंड मंगा लो, यहाँ पे हमारे पास है ना 35,000 से तो है ना 1,50,000 तक का बैंड है, मैंने सुना है आपको क्या बोलना है तो आपको आपके पास कितनी कैपेसिटी के हिसाब से बैंड मंगाओ, हम नहीं बोल सकते कि आप है ना 2,00,000 वाली बैंड लेके जाओ, बंदे में हमारा काम नहीं है। अरे जैसे भी मैं जानता हूँ सभी का पता है सुपर जंकर और वो सब भी रेट ज़्यादा है, आप अपने हिसाब से बैंड मंगा सकते हैं। और कोई बैंड मालिक किसी को ऐसा तो नहीं बोल रहा है ना कि भाई तू मेरी बैंड कर, किसी को किसको जो पसंद है वही करता है। और मैं महाराष्ट्र में आता हूँ तो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया कि मेरा 20-25,000 खर्चा तो वैसे ही ज़्यादा हो जाता है डीजल पानी खाने का। जी जी वैसे तो मेरे को तो यहाँ की बैंड से थोड़ा ज़्यादा ही लेना पड़ेगा। और कुछ हमारी सर, और यहाँ पर देख सकते हैं हमारे रिक्शा गेट के ओनर है और ये यहाँ मुगी बैंड गढ़ के ओनर है, तो कुछ मैं बोलना चाहूँगा, वो जो पैसों की बात है वो आप खुद कॉल करके बताओ ना कि वीडियो बनाओ, क्योंकि इसकी वजह से बैंड का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। जी भाई आप फिक्र मत करो, आपकी कोई गलती है या उनकी गलती है, हम यहाँ बैठ के सुन रहेंगे, ऐसे वीडियो पे अपना नाम खराब या बैंड की उसका नाम खराब नहीं करना चाहिए। कोई भी ऑनर हो या कोई भी ऑडियंस हो या कोई कारीगर हो आर्टिस्ट है, वो लोगों को सर समझ के निर्णय लेना चाहिए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, अभी बहुत सारा है जैसे कि बैंड करने के लिए कोई भी आता है तो सबसे पहले क्या बताता है कि भाई सामने सुपर जंकर है तो आप क्या कर सकते हैं, या तो सामने रॉकी स्टार है तो क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि भाई रॉकी स्टार के हिसाब से बजाएगा, सुपर जंकर वाला सुपर जंकर के हिसाब से बजाएगा, मैं मेरे हिसाब से बजाऊँ। कहने का मतलब ये है कि भाई हो सकता है सभी ओनरों को एक ही रिक्वेस्ट है और जो ओनर देते हैं उनको भी एक ही रिक्वेस्ट है, भाई हम लोग बैंड के माहौल बनाने के लिए अगर जो शादी का माहौल है तो शादी अच्छी से जाए उसके लिए मंगाते हैं, तो हो सके तब तक यहाँ पे इतना हो तो अच्छा है कि भाई वो उनके हिसाब से बजा के कंप्लीट करें, हम हमारे हिसाब से बजा के कंप्लीट करें, फिर 2 घंटे बजाएंगे 3 घंटे बजाएंगे उसका कोई मतलब नहीं रहता है। लास्ट है अपन, अभी अपना मीटिंग खत्म हो रहा है, अभी लास्ट बात बताता हूँ आप लोगों को मेरे, अभी ये लास्ट बात है ये सिर्फ ओनरों के लिए है, बैंड पार्टी के ओनरों के लिए जी, कभी भी किसी का बैंड जाता है दोनों तरफ से तो वो सिर्फ ग्राउंड लेवल पे बजाओ। हाँ सही बात है, ताकि है ना वहाँ अपन मंडप पे छोड़ के या किसी के घर पे छोड़ा के मत बजाओ, उसके लिए भी हम कभी उसको जो भी कोई बैंड वाला जो भी बैंड का ऑनर या बैंड ऐसा हमारी बात नहीं सुनता उसको हम कोऑपरेट करेंगे नहीं, उसको मदद करेंगे नहीं। सही बात है, तो ये अभी बैंड वाले को है ना याद रखना, ये है ना ग्राउंड लेवल पे बजाओ और दोनों पार्टी दूर दूर रोको, थोड़ा 50 फुट या है ना आपके हिसाब से दूर दूर रोको, ग्राउंड लेवल पर अपनी अपनी कला दिखाओ, अपना अपनी कला दिखाओ, वहाँ ऊपर चढ़ के है ना कोई जोकर बनता है तो भी क्या खाता है काटे का, ये तो मदारी लोगों का काम आप क्यों कर रहे हैं यार, आप इतना ऊपर चढ़ के गिर जाएंगे, बैंड पार्टी को सर्कस वाला देखो। हमने जितना सिखाया है हमने यहाँ प्रैक्टिस किया है 2 महीना वो बताओ ना आप, है ना वहाँ पे चढ़ के इतने ऊपर चढ़ के देखो वीडियो में दिख रहा है मेरे दोनों भाई का बैंड का है, आप गलत मत समझना, नहीं नहीं कोई बात नहीं, रोके भाई का और सचिन भाई का ये दोनों का ही बैंड का वीडियो 4-5 वीडियो आया है, तो वो प्लीज सभी बैंड मालिक रिपीट मत करो, यो मेरे को भी वही कहना है भाई, अब मेरे सुपर जंकर और रॉकी स्टार का वीडियो कोई मत डालो भाई, ये यूट्यूबर भी मत डालो, दूसरे यूट्यूबर को भी मेरी विनती है कि मेरा वीडियो मत डालो आप, और हम मेरा डालो तो अच्छा डालो, रॉकी स्टार के साथ मत डालो, और थक चुका सबको, हमारा बैंड सुनिए हमारा सुब्रत जहाँ भी जाएगा वो मैंने बोल दिया है टक्कर लेने के लिए नहीं जाएंगे, हम पहले मैंने ट्रेनिंग दिया हुआ है प्रोग्राम बराबर करेंगे, दोनों जो भी बैंड आएगा उसके साथ में मेरे लोग लड़के हैं जो बच्चे हैं उनको हाथ मिलाएंगे, उसके बाद में प्रोग्राम चालू करेंगे, ऐसा सब मैंने प्रशिक्षण दिया हुआ है, दिलीप भाई को पता है,
और ये मेरे दोस्त है, खास मैं यूट्यूब पे देख रहा था, आज मैंने पहली बार देखा है गणेश नावली, तो मैं गणेश नावली से भी बात करना चाहता हूँ एक दो वीडियो ऐसा आपके साथ में भी। उन लोगों ने कुछ किया नहीं लेकिन सामने वाला आया है वो भी गलत है, इसलिए मैं आपकी बात तो नहीं बोल रहा हूँ लेकिन ऐसा मत करो, दोबारा मत करो, ऐसा बोलना चाहता हूँ मैं सभी ऑनर को। और इतना इतनी बात आपको कुछ बोलना है एक यूट्यूबर्स के लिए? मैं कुछ बोलना चाहूँगा सभी आर्टिस्ट के लिए, जैसे अभी ये वीडियो तो देखेंगे सभी आर्टिस्ट लोग तो देखेंगे, हाँ बराबर, जैसे हम ओनर ओनर एक साथ रहते हैं बराबर, वैसे तुम भी आर्टिस्ट लोग भी एक दूसरे के साथ में रहो, क्योंकि दोनों बहन आमने सामने आती है ना, तब वो माहौल खराब हो जाता है, तो हम यहाँ साथ साथ रहते हैं तो तुम भी साथ साथ रहो, इतना ही बोलना चाहूँगा मैं। आर्टिस्ट के साथ साथ जो वहाँ की पब्लिक रहती है वो भी साथ में रहेगी तो और अच्छा रहेगा, पब्लिक की डिमांड रहती है। मैं सतीश भाई, मेरे को ये डिमांड किसका है, पब्लिक झगड़ा करवाते हैं, पब्लिक पब्लिक करवाती है, पता नहीं है वो पब्लिक करवाती है, पता नहीं है, लेकिन है ना आप 10 फुट पे बैंड में तो लेके जाओ, और उसमें क्या है मेरी बात सुनो सर, आपकी बात सही है और ये सब फॉलो हम करेंगे तो हमको ही अच्छा है, समझो जल्दी प्रोग्राम खत्म भी होगा, हम दूसरी जगह पे जल्दी पहुंच भी जाएंगे, एक टक्कर करते तो क्या होता है कि जल्दी दूसरे प्रोग्राम में पहुंच भी नहीं पाते, उधर से पैसे भी कम मिलते हैं, और टक्कर जब हुआ तब जल्दी बैंड बंद कर दिया ना पहले, तब पार्टी लोग पेमेंट भी नहीं देते, ये प्रॉब्लम भी रहता है, पेमेंट नहीं देगा जो पार्टी, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि टक्कर नहीं लेंगे तो हम पैसा नहीं देंगे या कम देंगे, जो भी प्रोग्राम देने वाला आदमी या जो शादी में बुलाता है वो पैसा नहीं देता है तो हम बैठे हैं, बताओ लीगल कार्रवाई करेंगे उसको एक दो, तब तो ऐसे इतने बड़े लोग नहीं है, लेकिन जहाँ पे जो आदमी पैसा नहीं देगा उसको बोल देने, कितना भी बड़ा आदमी रहेगा उसको एक घंटे में उसका लोकल पुलिस स्टेशन के अंदर में हम इसको हजर कर देंगे, फिक्र नहीं करना, हमको रात का भी 12 बजे भी फोन करो, हमारा फोन चालू रहता है, सही बात है, क्योंकि ये मेहनत कर रहे हैं सब लोग, रात दिन मेहनत कर रहे हैं सब लोग, हम मेहनत कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, बच्चे लोग सब मेहनत कर रहे हैं, उसका पैसा नहीं मिलेगा आखिरी पे, तो ये सब है ना हमारा फायदे के लिए ना, सबके लिए, सबके फायदे के लिए कर रहे हैं, तो ये ऐसा वाक्य बनना नहीं चाहिए, इस करके जो भी प्रोग्राम लेता है वो भी प्रेम से पैसा दे दो और टाइम पे छोड़ दो, ताकि हमारे जो बैंड है वो दूसरी जगह पे जाने के लिए, वहाँ जाने के बाद में गाली नहीं खाए, ये यहाँ जल्दी चले जाएंगे तो यहाँ गाली देंगे, वहाँ लेट पहुँचेंगे तो वहाँ गाली देंगे, तो ये लोगों को किसके भरोसे पे किसके भरोसे दे रहे हैं, बैंड मालिक सब गाली खाते सही बात है, सही बात है सर, अच्छा बजाओ तो भी गाली नहीं, अच्छा बजाओ तो भी गाली, एक भी प्रोग्राम ऐसा नहीं जाता है गाली खाने दिए जाते हैं, कई बार कैसा होता है कि टाइमिंग पे चालू करने का तो कई बार 90% जगह पे कैसा रहता है कि जहाँ पे मतलब जो खाना रहता है वही जगह पे नाचना हो रहता है बराबर, अभी जाने के बाद आधा पौना घंटा लगता है सेटअप लगाने में, जाने के बाद 5 मिनट में चालू करवा दो कैसे पॉसिबल हो सकता है, अगर नहीं चालू करेंगे फिर गाली देते, पैसा नहीं देंगे, काट लेंगे, 10-11 बजे तो उनका खाने का खत्म होता है, सरीश भाई अभी तक है ना चलो हमको कोई गालियां नहीं देता था, ये भी हो गया प्रेम से बोलते थे ना अजीत दादा, अजीत भाई, अजीत सर बोलते थे, आज तो गालियां भी पड़ने लगी, मैं तो आज ही सुबह में देखा है बैंड की तरफ से, ये मैं सभी यूट्यूबरों को यही कहना चाहता हूँ कि दोस्तों अब जैसे कोऑपरेट करते हो वैसे ही बैंड मालिक भी उनको कोऑपरेट करो, और अपने बैंड मालिक जो है ना वो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बना ही लो, उस पे से जो कमेंट आएगा ना उससे पता चलेगा कि कौन सा बैंड वाला कौन से बैंड के बारे में गलत बोल रहा है, इन्फॉर्मेशन फैला रहा है, तो मैं यही चाहूंगा कि अपने अपने खुद बैंड के एक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बना लो, मेरा मैं बोल रहा बैंड का मैंने चैनल बना दिया, इससे आपका बैंड का प्रमोशन भी हो जाएगा, कुछ जो कहना चाहते हो पब्लिक को या कुछ किसी को भी तो पता चल जाएगा, यह कहना चाहूँगा ऑफिशियल चैनल बना लो कुछ, चल मेरे से कुछ गलती हो गई तो माफ करना, मेरे दोस्त मेरे फ्रेंड्स और मेरे आदिवासी लोग मेरे को जो चाहते हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, आज तो मेरे को बहुत सारा कमेंट गलत भी आएगा लेकिन माफ करना मेरे से कुछ गलती हुई है, तो मेरे को सुझाव भेजना जरूर, मैं उसके ऊपर विचार करूँगा, और हमारे शुभराज बैंड ऑनर को बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, क्योंकि उनकी वजह से ये सभी यूट्यूबर भी अभी देख रहा हूँ मैं, और सभी बैंड ऑनर ऐसे मैंने अभी तक नहीं देखा है कि मिलके मीटिंग हुई, मतलब होती होगी उनकी लेकिन हम वहाँ पे नहीं जा पाए, सही बात है, तो गाइस मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत बहुत दिल से शुक्रिया सभी बैंड ऑनर का कि आप लोगों ने हमने इंफॉर्मेशन डाली थी तो आप सभी आए, तो बहुत अच्छा लग रहा है, ओके गाइस तो अभी खाना खाने, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद सबका, चलो
एक फोटो एक फोटो ले।